हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रनिंग वेबसाइट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब व्हेन अ बार इज कूल्ड -5°C, व्हेन अ बार इज कूल्ड -5°C इट विल बी डेवलप, क्या इसके अंदर डेवलप होगा? दैट इज़ राइट आंसर इज टेंसाइल स्ट्रेस डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फ्रॉम अ कंपोजिट सिस्टम विच इज़ हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 40°C, तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा इन द कॉपर बार विल बी, कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल स्ट्रेस इज अ बार, थर्मल स्ट्रेस इन अ बार इज डैश प्रपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, वॉट इज द राइट आंसर इज ए, दैट इज डायरेक्टली, द थर्मल स्ट्रेस इन अ बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल स्ट्रेस डैश अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, द राइट आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज, वॉट इज द राइट आंसर इज बी, डज नॉट डिपेंड, यानी द थर्मल स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर इज अ फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ अ कंपोजिट बॉडी देन द मेम्बर हैविंग द ग्रेटर कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस, आपको बताना है कि स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ, आपको बताना है कि द थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ, द राइट आंसर इज डी, यानी ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ सर्कुलर बार ऑफ टेपरिंग यूनिफॉर्म फ्रॉम अ डायमीटर D1 एट द वन एंड टू द डायमीटर D2 एट द अदर एंड इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर एंड थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस इन, तो कौन सा बार है? सर्कुलर बार टेपरिंग है, तो व्हाट इज द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज ए, दैट इज अल्फा T1/T2, अल्फा यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कैपिटल ई हमारा यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो राइट आंसर आपको फाइंड करना है। पहला ये कह रहा है कि द स्ट्रेस इज प्रेशर पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन इज एक्सप्रेस इन mm, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू द ब्रेकिंग पॉइंट एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द लास्ट लिमिट, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। व्हाट इज द राइट आंसर इज डी, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द लास्ट लिमिट इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन 45 ये कह रहा है कि जो डिफॉर्मेशन है ऑफ द बार यूनिट लेंथ का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज, द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन एज, व्हाट इज द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज ए, दैट इज योर लीनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डायरेक्ट स्ट्रेस इज ऑलवेज एकॉम्प्लेन्ड बाय द स्ट्रेन इन इट्स ऑन डायरेक्शन एंड an opposite kind of strain in every direction at the right angles to it, such a strain is known as, what is the right answer is B, that is your lateral strain. Next question, the ratio of the lateral strain to the linear strain is called, right answer is D, that is your Poisson ratio, ratio of the lateral strain to the linear strain is called Poisson ratio. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, पॉइजन रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या होगा इसका राइट आंसर इज बी, यानी दैट इज योर स्टेटमेंट इज फॉल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टील बार है जो कि 2 mm लॉन्ग है, 2 meter लॉन्ग है और 20 mm वाइड है, 10 mm उसकी थिकनेस है, सब्जेक्टेड टू अ पुल लोड ऑफ 2 kN का है, और इफ़ द सेम बार जो कि सब्जेक्टेड टू अ पुश ऑफ 2 kN, तो जो पॉइजन रेशियो ऑफ द बार इन द टेंशन विल बी डैश द पॉइजन रेशियो फॉर द बार इन कंपेरिजन, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इज ए,
दैट इज़ इक्वल टू,